वेलकम टू अयाज अली ऑफिशियल चैनल। आपकी इस वीडियो यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक गॉस जॉर्डन मेथड में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो को आगे चलाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन से चीज़ों को देखना होगा। आम खास बच्चों का ख्याल क्या होता है कि हमें ये जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी कोई दो मिनट में कवर करवा ले। मैं कहता हूँ कि नहीं हो पाएंगी। अगर आप लोगों को चीज़ें लाइफ टाइम के लिए समझनी हैं तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। उन पर लेंथी होगी वीडियो, लेंथ ऑफ वीडियो बड़ी होगी लेकिन इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ नथिंग बट गॉस जॉर्डन्स मेथड। इसमें अंदर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में चीज़ें दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इनका हल ढूंढिए। कैसे? लेट सपोज सबसे पहले कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला जाएगा तो सबसे पहले हम इसके डिस्कस कर लेते हैं वर्किंग रूल्स। मस्ट अंडरस्टैंड दैट इज़ अ वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहली पॉइंट, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यू हैव टू कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कंसीडर कर लेना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जैसे कैसे कंसीडर कर लूँ? मैं ऐसे कह रहा हूँ दिस इज़ फर्स्ट नंबर पॉइंट और हमने तस्वीर किया कि ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द बी। व्हाट इज ए? ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ए? एक्स, एक्स इज हियर वेरिएबल और यहाँ पर बी जो उनके वेरिएबल के बगैर कॉन्स्टेंट्स आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब उसके बाद आर्गुमेंटल मैट्रिक्स आपको कन्वर्ट करनी होगी ये सारी इक्वेशंस। किस में? फाइंड द आर्गुमेंटल मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पॉइंट जो आपको करनी होगी वो होगी फाइंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आपको उसमें आर्गुमेंटल या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करनी होगी? अबव इक्वेशन ऑफ लीनियर्स कन्वर्ट करनी है फॉर गिवन इक्वेशन। फॉर गिवन इक्वेशन जो भी आपको इक्वेशंस दी गई हैं उन्हें आपको आर्गुमेंटल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? चलें, वो कैसे होगा? लेट सपोज मैं एक सी नया तस्वीर कर लेता हूँ और आपको उसमें ए और बी के फॉर्म में उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होगा। अब ये कैसे होगा जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब थर्ड नंबर जो इसमें स्टेप है, तीन ही स्टेप हैं, चौथा तो बड़ा आसान है, और थर्ड नंबर स्टेप क्या है कि आपको ट्रांसफॉर्म द सी। किसे? ट्रांसफॉर्म द सी जो आपको सी मिलाया हुआ है इनटू नॉर्मल। अब नॉर्मल मैट्रिक्स मकसद क्या होता कि आप लोगों को जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मस्ट रिमेंबर आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस वन डायगोनल एलिमेंट्स, उसके नीचे और ऊपर वाले मैट्रिक्स को गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर आपने क्या करना होगा? जीरो करना होगा। जीरो कर लेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए? नहीं, वो भी वन वन होने चाहिए। यानी कि यू हैव टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इन अ यूनिटी मैट्रिक्स, जहां पर यूनिट मैट्रिक्स में ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स विदाउट डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे? फाइंड द इक्वेशन करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे होगा। कह रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी है? मैं नीचे लिख लेता हूँ बाय गॉस जॉर्डन्स मेथड। बाय गॉस
जॉर्डन्स, हाँ मेथड से सॉल्व करनी है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, इस मेथड से आपने इसे सॉल्व करनी है। कौन सा? ये जो ऊपर हमने देख पढ़ा। अब थोड़ी हमने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमने इस वीडियो को और शार्ट करने के लिए इसके एडिशन और कुछ क्वेश्चंस एक को एग्जांपल मैंने सॉल्व कर लिया है। अब क्या कहता है कि कौन सी इक्वेशंस हैं, दैट इज नथिंग बट सिक्स ऑफ एक्स माइनस वाई एंड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 13, और उसके बाद मेरे पास कह रहा है एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, और उसके बाद क्या कह रहा है टेन ऑफ एक्स एंड प्लस वाई और माइनस के जेड इज इक्वल्स टू 19। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए क्या है, मसल मेंबर। यहाँ पर ए हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसे, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट ए। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो मेरे पास ए जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज नथिंग बट 6, वन वेरिएबल ऑफ एक्स, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, और उसके बाद माइनस वन, वन एंड वन, और उसके बाद वन, वन एंड माइनस वन, ये मेरे पास इसके गिवन वैल्यूज हैं। और यहाँ पर आपके पास जो x होता है दैट इज नथिंग बट दैट इज गोइंग टू शो द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड, दैट आर x, y एंड z। और आपके पास यहाँ पर जो b होता है वो किसे शो करता है, इन एक्सटर्नल एलिमेंट्स को शो करता है। जैसे हमारे पास 13, 9 एंड 19 है, तो ये मेरे पास हो गए 13, 9 एंड 19। अब ये है कि हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। अब हमें इसे किस में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, आर्गुमेंटल मैट्रिक्स में, और फिर हमें इन डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, इन डायगोनल एलिमेंट्स को इन द टर्म ऑफ वन में कन्वर्ट कर देना है, और उसके ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट्स आपके पास जीरो होने चाहिए। बड़ी अच्छी सी चीज़ है ये। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन द फॉर्म ऑफ सी जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास मैट्रिक्स कुछ यूं हो जाएगा, दैट इज अ 6, 1 एंड 10, और उसके बाद हो जाएगा माइनस 1, 1 एंड 1, और उसके बाद हो जाएगा 1, 1 एंड माइनस 1। याद रहे यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारे आर्गुमेंटल मैट्रिक्स में हम इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि कास्ट नंबर्स भी साइडों में, यानी कि 13, 9 एंड 19 इसी रो में ये कंसीडर्ड होते हैं। अब मुझे इस इक्वेशंस को कुछ भी ऐसा करके यानी कि कहाँ पर, यहाँ पर, इस जगह पर, ऑलरेडी वन है, इस जगह पर वन वन लेके आना है इन द फॉर्म ऑफ नाम्स में जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, इस जगह वन आ गए तो ऊपर कौन से होने चाहिए, ऊपर सारे ज़ीरो हो जाएं, नीचे सारे ज़ीरो हो जाएं, डजेंट मैटर। तो यानी कि आपको इस फॉर्म में इसे, हमने कहा कि यहाँ पर आपको वन वन ले जाना है, लेकिन अगर आपके पास एक पूरी सीरीज में वन वाली सीरीज मौजूद है तो आप उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ऐसे हम न्यूमेरेटर में लेके जा रहे हैं। अब जब मैं न्यूमेरेटर में लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास कुछ मैट्रिक्स इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसको ऊपर लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम ही है। यानी कि ये पर मेरे पास जो मैट्रिक्स है यहाँ पर 1, 1, 1 और 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 1, 1 एंड 13, एंड सिमिलरली 10 एंड 1 एंड माइनस 1 एंड 19 अपनी जगह पर रहा। याद रहे कि आप लोगों को अब ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं, अब यहाँ पे 6 था, अब इस मैट्रिक्स को करना चाहें तो आसान हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने डायगोनल ऑलरेडी 1 1 ले लिए हैं, नेगेटिव हैं तो उन्हें आसान है पॉजिटिव करना। अब हम ज़ीरो ढूंढते हैं, अब ज़ीरो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ज़ीरो ढूंढते हैं और यहाँ पर ढूंढते हैं,
अब दोनों की जगह मुझे ज़ीरो आना लाजिम है। और ज़ीरो आने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि आर वन में ही आर टू के लिए, किसके लिए, आर टू के लिए मैं क्या करूँ कि आर टू में से सिक्स मल्टीप्लाई करूँ आर वन में, तो मेरे पास फिर वो सब्ट्रैक्ट करूँ आर टू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। मैं इसे यूँ कंसिडर कर लूँ कि सी ये कुछ यूँ होगा, मैट्रिक्स मेरे पास बना हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर जिसमें ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है मस्ट मेंबर, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स दिस विल रिमेन वन वन एंड अगेन वन एंड नाइन, और उसके बाद छः आर वन में आप मल्टीप्लाई करें, छः इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर छः ही होगा, छः आपने इस सिक्स से माइनस करना है, सिक्स माइनस सिक्स दिस बिकम्स ज़ीरो। अब इसमें सिक्स आपने मल्टीप्लाई किया, वो इससे माइनस करेंगे तो दिस इज विल बी माइनस सेवन, बिकॉज सिक्स यहाँ पर माइनस वन ऑलरेडी है, आपने सिक्स मल्टीप्लाई किया आर वन में और वो आप यहाँ पर माइनस सिक्स कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट माइनस सेवन, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो इसमें सिक्स मल्टीप्लाई किया, वो इससे माइनस किया, तो यानी कि दिस वुड बी माइनस फाइव, अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर छः 54 हो जाएंगे। अब जब हमने यहाँ से छः मल्टीप्लाई करके नीचे से माइनस किया, दिस इज नथिंग बट माइनस 41 हो जाएगा। अब ये बात है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दिमाग में सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी ज़ीरो हो सकता है, अगर आप यही आर थ्री के लिए यूं कर देते, किसके लिए, आर थ्री के लिए, आर थ्री में से आप फर्स्ट रो में आर वन से टेन मल्टीप्लाई करके आर थ्री से आप सब्ट्रैक्ट करें, तो यानी कि ये भी कंडीशन आपकी हो रही है, तो चलें हम ये भी अप्लाई करेंगे। तो अब हम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हुआ, वही 10 इससे गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। 10 इससे जब जाएगा दिस इज नथिंग बट माइनस 9। अच्छा अब ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 10 जब इससे गया दैट इज नथिंग बट माइनस 11। मस्ट रिमेंबर कि ये माइनस के 1 है, और जब माइनस के 1 में से माइनस का 10 दैट इज नथिंग बट माइनस 11, ठीक है बच्चा। अच्छा बच्चा पार्टी, अब इसमें 10 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 जब 19 से चले जाएंगे तो मेरे पास माइनस 71 रह जाएंगे। अब ये कुछ नहीं, तो मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसी मैट्रिक्स के अंदर मुझे यहाँ तक ज़ीरो चाहिए था, ये भी ज़ीरो, और वो कहाँ कहाँ ज़ीरो चाहिए, इस जगह भी मुझे ज़ीरो चाहिए, इस जगह भी ज़ीरो चाहिए, इस जगह भी ज़ीरो चाहिए, और इस जगह भी ज़ीरो चाहिए। और याद रखे जो मेरे पास डायगोनल इन द सर्किल में नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे वन वन चाहिए। अब इसके लिए मैंने दो तो ज़ीरो ढूँढ लिए, वन तो एक मौजूद है इन तीनों एलिमेंट्स को, इसको हमने ज़ीरो करना है, और सर्किल वाले एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, वन करना है, क्या करना है, वन। अब ये बड़ा आसान यूँ हो जाएगा कि आप लोगों को अगर और भी वन चाहिए तो आप थोड़ा इन नंबरों को कम कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मसलन मिसाल ले लें, यहाँ से अगर मैं इस मैट्रिक में एक चीज़ और परफॉर्म करूं, कौन सी, लेट सपोज अगर मुझे आर थ्री के लिए आर टू ये वाली आर थ्री से मैं माइनस करूं तो ये कम हो जाएगा, ये वाला भी वैल्यू कम हो जाएगा। तो आर थ्री के लिए मुझे क्या करना होगा, आर थ्री में से आर टू को माइनस करना होगा। सबसे पहले ये परफॉर्म करते हैं, और फिर भी आर थ्री जो है हमारे पास क्या परफॉर्म आ जाएगी, तो हम आए चलें इसे हम करते हैं, ठीक है। तो बेटा अब थोड़ा इजीली हो जाएगा, फिर वैल्यूज हमारे कम आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलें, जो हमने सी ढूंढा उस सी के अंदर अब हमने पहली रो को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि पहली रो की बात ही नहीं हो रही। तो यानी कि यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, और फिर नाइन है, ठीक है।
अब R3 में से R2 माइनस करना है, तो R2 को भी आपने कुछ नहीं करना, यानी कि सेकंड रो को, तो यहाँ पर 0 रहेंगे, यहाँ -7 रहेंगे, -5 रहेंगे, और यहाँ पर हमारे पास -41 ही रहेंगे। अब यही चीज़ें हमने माइनस करनी है R3 से, 0 से 0 गया 0 रहेगा। अच्छा, -9 में से +7 गए तो मेरे पास -2 रह जाएंगे। अब अच्छा, -11 से +7 जाएंगे, क्यों, माइनस फार्मूले की, और माइनस ये प्लस, जब इससे जाएंगे तो हमारे पास -6 रह जाएंगे। अब 41 जब हमारे 71 से जाएंगे तो मेरे पास जो है वो 71 -41 है, और ये चले जाएंगे हमारे 70 से, तो 71 है से माइनस के और प्लस के 41 आप कर दें, 1 में से 0 ये 30, यानी कि क्या रह जाएंगे, माइनस के 30 रह जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास माइनस के 30 रह जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे करनी थी जो मैंने नहीं की, चल यहाँ यूँ भी कर देते हैं। अब यूँ थोड़ा यूँ कर देते हैं कि हम R3 को R2 से एक्सचेंज कर लेते हैं, कर सकते हैं हम, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमने ये पहले भी कहा था कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों पर जो मैंने यहाँ पे बताई थी वहाँ पर 0 और 0 वाली चीज़ें लेके आनी हैं, तो यानी कि इसके लिए मैं यहाँ पर ये 0 भी कर सकता हूँ। तो चलें, तो मेरे पास जो ये सी वाला मैट्रिक्स है, मस्ट रिमेंबर, अब क्या हो जाएगा, सी इन आर्ग्यूमेंटल मैट्रिक्स में जब मैं यहाँ पर मैं एक्सचेंज करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास 1 है, यहाँ 0 से 0 एक्सचेंज हुई तो 0 ही रह जाएगी। अच्छा, 1 तो 1 है, -7 -2 से एक्सचेंज, तो -2 यहाँ पर, -7 यहाँ पर। अच्छा, 1 ही सेम ही है 5 और 6 को, तो ये -6 के और ये 5, 9 तो अपनी जगह है, यहाँ पर -30 हो जाएगा और यहाँ पर -41 हो जाएंगे, और मेरा मैट्रिक्स कुछ यूँ हुआ गया। अच्छा, अब ये है कि अगर हम यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, अगर मैं रो 2 को, किसको, रो 2 के लिए, रो 2 को ही -2 से डिवाइड करूँ, तो यानी कि नेगेटिव साइन एक तो ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यूज हाफ हो जाएंगी, तो हमारे पास ये एक बड़ा सूटेबल वे हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान कीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, सेकंड नंबर रो को 1, अब यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर -6 है, और उसके लिहाज से मेरे पास क्या है, 9 है, और फिर -41 है। अब ये है कि -2 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो यानी कि 1 आ जाएगा, 6 को जब हमने रो 2 के एलिमेंट्स को -2 से डिवाइड किया तो यानी कि +3 आ जाएंगे। अच्छा, -30 को किया तो यानी कि ये 15 आ जाएंगे। दिस इज व्हाट एन आर्ग्यूमेंटल मैट्रिक्स हमारा साल होता आ रहा है। थोड़ा आप ध्यान करें, बहुत आसानी से ये साल होता है। अच्छा, अब ये है कि अगर मैं तमाम आसानी से, अगर मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो 1 चाहिए, 0 चाहिए, यहाँ पर 0 आ सकता है, कैसे, अगर मैं सेकंड रो में, क्योंकि इसमें मैं नहीं कर सकता, इसमें अगर मैं 7 ऐड करूँगा ये इस वापसी यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाली 0 ख़त्म नहीं होगी। आपने एक चीज़ों का ध्यान करना है, जो 0 आपको मिली हुई हो उन पे कोई फ़र्क ना पड़े, बाकी जो चीज़ें हों वो ज़ाहरी बात है चेंज हो सकती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हम ये कहेंगे कि R3 के लिए आप कुछ यूँ करें कि R3 में ऐड करें 7 मल्टीप्लाई करके, किस में, R2 में 7 मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे, नीचे वाला यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यानी कि C, यानी कि ये हमारे पास 1, 0 और 0, इसमें 7 मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 0 होगा। अच्छा, 1 अपनी जगह पर, 9 अपनी जगह पर,
वन अपनी जगह पर, थ्री एंड 15, अच्छा चले इसमें आप सेवन मल्टीप्लाई करें, सेवन इसमें आर, इसमें सेवन मल्टीप्लाई होगा सेवन हो जाएंगे, सेवन सेवन में ऐड होंगे तो जीरो, सेवन मल्टीप्लाई होंगे दिस वुड बी सेवन थ्री जै 21, और 21 आप जब सिक्स में से ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक सो 16 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास 16 होगा। और 715 सा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, और आप उसमें ऐड करेंगे दिस कुड बी एज 64, और ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपके पास चीज़ें आ गई हैं, अब ये तो 64, 16 और ये चीज़ें आ गई। अब अगर मैं देखें, हमें तो नीचे के सारे टर्म्स ज़ीरो आ गए हैं, यहाँ पर भी वन आ गया है, अब मुझे यहाँ वन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा आर थ्री के लिए आप कुछ यूँ करें कि आर थ्री खुद को ही 16 से डिवाइड कर लें। बड़ी आसान चीज़ हो गई ना। अब चलिए आर थ्री को हम जब करेंगे 16 से डिवाइड, तो मेरे पास कुछ आर्ग्यूमेंटल मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा 1 0 0 1 1 एंड 0, और 1 3 एंड 16 से 16 को डिवाइड करेंगे दैट इज़ 1, और एंड सेम 9 15, अब 64 को आप 16 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ नथिंग बट 4। अब ये है कि नीचे वाला केस, ये सारे एलिमेंट ज़ीरो आ गए एंड द डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास वन आ गए, लेकिन अपर जो एलिमेंट्स जिन्हें हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं वहाँ पर 1 3 1 1 एंड 3 है, अब मुझे इसे भी ज़ीरो करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए मुझे ज़ीरो करने के लिए सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखी हुई हैं थोड़ी, तो R2 के लिए यानी कि यहाँ पे ज़ीरो चाहिए, इसके लिए मैं कुछ यूं करूँ, क्या करूँ कि R2 में से R3 माइनस करूँ, R2 में से R3 माइनस करूँ, लेकिन R3 में 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो चलें फिर इस कंडीशन में हमने जब देखा कि C कुछ यूं होगा, मैट्रिक्स बनेगा, अब मैट्रिक्स बनने के बाद 1 होगा 0 होगा 0, 1 होगा 0 होगा, सॉरी 1 होगी, 1 ही है, ये 1 ही है, इसमें 0 ही होगा, 0 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये 1 होगा और ये फ़िलहाल आप छोड़ दें, अब इसमें आपने 3 मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गए, 3 में से गए, 0 आ गया, और यहाँ पर आपका 1 ही रहा, और फिर देन सिमिलरली आपके पास जब आपने इसे R3 में 3 मल्टीप्लाई किया 12 हो गए, 12 जब आपके 12 से जाएंगे 15 से जाएंगे तो यहाँ पर 3 रह जाएंगे, और यहाँ पर आपका 4 एज इट इज ही रहेगा, 9 3 एंड 9 15 एंड 4, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब ये है कि मुझे R1 के ऊपर वाले एलिमेंट के लिए भी ज़ीरो चाहिए, क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए, कहाँ पर, अगर मैं भला यूं करता कि इसी मैट्रिक में से यहाँ पे ही मैं परफॉर्म करता, R1 को भी मुझे के लिए मैं R1 में से अगर मैं R अभी 3 माइनस करूँ, ये 3 माइनस करो, तो ये जब इससे 0 तो होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और ये यहीं पे रहेगा, लेकिन ये 4 जब 9 से जाएंगे तो यहाँ पर 5 होंगे, तो हमने ये कंडीशन भी यहाँ पर ही परफॉर्म कर दी। अब एक और चीज़ है कि मुझे डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ एक एलिमेंट रह गया, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो अब यहाँ पर 0 के लिए मैं कुछ यूँ करूँगा कि एलिमेंट्स को R2 जो है वो माइनस ना कर लूँ, क्या ख्याल है, कर लें, चलें फिर करते हैं, आपका ख्याल है तो मेरा भी यही ख्याल है, चलें हम यही करते हैं। अब R2 इससे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 0 ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलिए तो हम कहते हैं R1 में के लिए R1 में से R3 को R2 को आप माइनस कर लें,
0000 जाएगा वन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपने थोड़ा ध्यान करना है। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा आप देखिएगा, बड़ी आसान सी चीज है। तो सी आर्गुमेंटल मैट्रिक्स के लिए मैं अगर यहाँ पर 1 0 एंड 0, यहाँ से जब R हम कह रहे हैं R2 मीन्स 1 इससे जाएगा तो यानी कि 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1, और जब ये इससे जाएंगे तो यहाँ पर 2 3 एंड 4 रह जाएगा। मस्ट रिमेंबर। अब यहाँ से आंसर को कैसे निकालना होगा, तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये आपका ए हो जाता है, दैट इज व्हाट ए मैट्रिक्स, व्हिच इज 1 0 0 1 0 एंड 1 0 एंड 0 0 1। मैं आसान भाषा में ये समझा देता हूँ। और यहाँ पर आपका एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पर आपके पास जो बी है, अब आपके पास बी जो है वो है 2 3 एंड 4। अकॉर्डिंग टू द बैक ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन आप वही तरीका अप्लाई करें, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी है, आप ए और एक्स को मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 1 0 सॉरी 1, और इसको आप एक्स वाई और जेड से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज नथिंग बट 2 3 एंड 4। ठीक है, करें मल्टीप्लाई। आपने 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, रो इनटू द कॉलम, तो x बाकी सब 0 हो जाएंगे, और जब आप 0 हो जाएंगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज y एंड दैट इज z, और ये मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरीके से आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। बड़ी आसान सी चीज़, यहाँ पर आपके पास x का वैल्यू 2 आ गया बाय इक्वेटिंग, तो और y का वैल्यू आपके पास 3 आ गया एंड z का वैल्यू आपके पास 4 आ गया। ये था हमारा गॉस जॉर्डन मेथड। बस इसमें मुश्किल एक चीज़ है, कौन सी, कि आपको सोचना होगा मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आने चाहिए और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स आपके पास 0 आ जाए। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गॉस जॉर्डन मेथड। फिर हम कल मिलेंगे किस और नए वीडियो यानी कि लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हमें मत भूलिएगा, हमें भूल गए तो आप मत भूल सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो लोग यहाँ तक नहीं आ सके हैं। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।